हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्यक्तित्व मापन की विधियां, मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी। हम पर्सनालिटी का मेजरमेंट क्यों करते हैं, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व को मापने की क्या आवश्यकता होता है। तो फर्स्टली, किसी भी पर्सन का क्या बिहेवियर है, उसका क्या नेचर है, ये हम जान सकते हैं व्यक्तित्व के मापन से। और हम ये भी जान सकते हैं कि जो व्यक्ति के अंदर सील गुण है, हमें पता है सील गुण क्या होता है, उसका जो पॉजिटिव क्वालिटी होती है किसी भी व्यक्ति के अंदर, जैसे हो गया उसके अंदर कितनी ईमानदारी है, कितनी आत्मनिष्ठा है, कितनी सच्चाई है, ये सब हम जान सकते हैं उसके सील गुणों से। तो उसके अंदर कौन कौन से सील गुण हैं और व्यक्ति में सील गुण की कितनी शक्ति है तथा किस सील गुण की कमी से व्यक्ति को समायोजन करने में कठिनाई हो रही है तथा समायोजन में होने वाली कठिनाई को हम कैसे दूर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम मान लें कि किसी व्यक्ति के अंदर, मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर सत्य सील गुण की कमी है, जो सत्य है वो भी एक सील गुण में काउंट किया जाता है, तो उससे किसी भी व्यक्ति के अंदर समायोजन करने में क्या कठिनाई आएगी। वो किसी न किसी से झूठ बोलता रहेगा, वो किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करेगा तो गलत तरीके से करेगा, तो कहीं न कहीं उसे इस आदत की वजह से, इस सील गुण की कमी की वजह से उसको बहुत जगह समायोजन करने में दिक्कत आएगी। तो इस वजह से जो जजमेंट किया जाता है, जो मेजरमेंट किया जाता है, इसीलिए किया जाता है कि किसी व्यक्ति के अंदर कौन सा सील गुण है और कौन सी सील गुण की कमी की वजह से उसको समायोजन करने में प्रॉब्लम हो रही है। अब हम बात करेंगे कि व्यक्तित्व मापन की कितनी विधियां। देयर इज 4 टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट। फर्स्ट है हमारा वस्तुनिष्ठ विधि, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव मेथड। एंड द सेकेंड वन इज आत्मनिष्ठ विधि, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव मेथड। थर्ड है प्रक्षेपी विधि, जो है प्रोजेक्टिव मेथड। और फोर्थ है मनोविश्लेषण विधि। वस्तुनिष्ठ विधि के द्वारा किसी भी व्यक्ति के जो बाह्य आचरण होता है, जो उसका बिहेवियर रहता है, उसको जज किया जाता है। और आत्मनिष्ठ विधि हो गया हमारा सब्जेक्टिव मेथड। आत्मनिष्ठ मतलब जो व्यक्ति है वो स्वयं के बारे में बताएगा कि वो कैसा है। प्रक्षेपी विधि होता है कि प्रोजेक्ट करके। फर्स्ट है हमारा वस्तुनिष्ठ मेथड, ऑब्जेक्टिव मेथड। इस मेथड में ये किया जाता है, जो भी व्यक्तित्व का मापन करता है, वो जिसका हम मापन करते हैं उस व्यक्ति से डायरेक्टली क्वेश्चन करता है। तो इसमें व्यक्ति का सील गुण, बाह्य आचरण, नैतिक और व्यवहार की जानकारी मिलती है। इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए वस्तुनिष्ठ विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हमारा है फर्स्ट क्या है, व्यक्तित्व आविष्कारिता। इसमें व्यक्तित्व आविष्कारिता में क्या होता है, इसमें सील गुणों को जानने के लिए ये विधि का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाता है कि क्या आपको निद्रा की बीमारी है, तो सामने वाला आंसर देगा हाँ या नहीं। तो इसके दो टाइप के हैं व्यक्तित्व आविष्कारिता है। पहला है MMPT, जिसको हम कहते हैं मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी टेस्ट। दूसरा है सिस्टीन PF, जो यहाँ पे PF है वो है पर्सनालिटी फैक्टर, जो कि कैटल ने बताया है। तो सबसे पहले 16 PF क्या है, तो कैटल ने ऐसे 16 तत्व बताए हैं, इसको हम कह सकते हैं सील गुण, जो हमारे पर्सनालिटी को डिसाइड करते हैं। तो ये कैटल का हो गया। फिर हम ए में हमारा क्या है, MMPT। इसका निर्माण 1940 में हथावे व मैक किनले ने किया था। फिर दूसरा है हमारा सोशियोमेट्रिक मेथड, इसके आविष्कारक है मोरिनो व जेनिंगस। इसमें क्या होता है, सोशियोमेट्रिक विधि में इस विधि का विकास किया गया था मोरिनो तथा जेनिंगस के द्वारा। इस विधि में क्या होता है कि प्रत्येक बालक द्वारा अपने एक मित्र का चयन किया जाता है। यह समूह के सदस्यों के पसंद एवं नापसंद को स्पष्ट करता है। इस विधि से बालक के चुनाव निम्न श्रेणियों में किया जाता है। पहला होता है स्टार। स्टार वह व्यक्ति होता है जो बहुत लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। फिर सेकेंड होता है क्लिक्स, वह व्यक्ति जिसे बाह्य रूप से समूह पसंद करता है। सी होता है विलग, विलग वह व्यक्ति होता है जिसे समूह का कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता है। तो इस आधार पर किसी व्यक्ति के व्यवहार को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि उसे कितने लोग पसंद कर रहे हैं, कितने लोग नापसंद करते हैं, और बाह्य रूप से समूह में कौन कौन उसे पसंद करता है। तो इन्होंने 3 टाइप के बताए हैं, 3 श्रेणियों में इनका चुनाव किया गया था। तो ये हो गया हमारा सोशियोमेट्रिक मेथड। फिर है प्रश्नावली विधि, रेटिंग मापनी और पारिस्थिति की परीक्षण। ये हो गए हमारे वास्तुनिष्ठ विधि।
आत्मनिष्ठ विधि में होता है कि व्यक्ति अपने स्वयं के व्यवहार को बताता है, जैसे स्वयं के अनुभव, पसंद और नापसंद को बताता है। पहला है साक्षात्कार विधि। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्तित्व का मापन करता है वो डायरेक्टली उसी से क्वेश्चन पूछता है। साक्षात्कार विधि दो तरह की होती है, औपचारिक और अनौपचारिक, जो कि गैरेट महोदय ने बताया है। दूसरा होता है जीवन इतिहास विधि, इसके प्रवर्तक है टाइडमैन। तीसरा है आत्मकथा लेखन विधि। चौथा है अवलोकन विधि। जीवन इतिहास विधि मतलब कि वो अपने जीवन के बारे में बताता है कि मतलब शुरू से अंत तक क्या क्या हुआ है उसके साथ। तो यहाँ पर हम पूरी तरह से जीवन इतिहास नहीं, यहाँ पर हम व्यक्ति जीवन इतिहास विधि कहते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति अपने बारे में खुद बताता है। आत्मकथा लेखन विधि, आत्मकथा में वही होता है कि वह अपनी कथा लिखता है, अपने बारे में लिखता है। और अवलोकन, वह खुद का अवलोकन करके बताता है कि उसका व्यवहार कैसा है, उसके पसंद क्या है, नापसंद क्या है। तो आत्मनिष्ठ, जिससे हमें शब्द से ही पता चल रहा है कि आत्म मतलब कि स्वयं के बारे में बताना, ये होता है आत्मनिष्ठ विधि। अब हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन मेथड। थर्ड है प्रोजेक्शन मेथड प्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधि से होता है कि जैसे व्यक्ति के अर्धचेतन और अचेतन मन में क्या चल रहा है, उस बातों को बाहर लाना, उसके उस व्यवहार को बाहर लाना। तो इसमें हम कैसे यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जैसे कि लैपटॉप या कंप्यूटर से प्रोजेक्ट करके किसी स्टोरी को बताना, और उसके बाद स्टोरी में क्या दिखाया गया है, फिर बच्चे से रिएक्ट करवाना, या तो बच्चे से पूछना कि उसने क्या सीखा है, या तो उसके क्या ओपिनियन है उस स्टोरी पर। तो ये हमारा होता है प्रोजेक्शन मैथड। इसमें हम पढ़ लेते हैं कि ये कितने तरह के होते हैं। पहला है शब्द साक्षर्य परीक्षण, फिर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, दूसरा है रोसा परीक्षण, तीसरा है विषय आत्मबोधन परीक्षण, जिसको हम कहते हैं थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, बाल आत्मबोधन परीक्षण, जिसको हम कहते हैं चाइल्ड एप्रिसेप्शन टेस्ट, और फिफ्थ है हमारा चित्र परिस्थिति सूचक। इसमें 10 कार्ड होते हैं और इसके जो प्रवर्तक है वो है मार्गन। ये 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए है। और छठा है कहानी पूर्ति, स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट। 7th है FWAT, जो कि गाल्टन ने इसको गाल्टन है। फिर है SCT, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। इसके जो प्रवर्तक है वो है पाइनवा टिंडलर। अब हम इसको 1 by 1 करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है रोसा परीक्षण, जो कि 1921 में प्रतिपादित किया गया था स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे हरमन रोसा के द्वारा। इनका जो परीक्षण है वो 14+ एज ग्रुप वालों के लिए किया गया है, मतलब जिनकी उम्र 14 साल से ऊपर है। इन्होंने 10 कार्ड का प्रयोग किया था। 5 कार्ड जो थे वो काले और सफेद थे, 2 काले कलर के थे और 3 लाल कलर के थे। प्रासंगिक अंतर्भूत परीक्षण, इसको हम टैट कहते हैं, ये भी 14+ एज ग्रुप के लिए किया गया था। इसमें क्या था कि इसमें 31 कार्ड थे, जिसमें कि एक व्यक्ति पर 20 कार्डों का प्रयोग किया जाता था और एक सादे कार्ड का प्रयोग किया जाता था। इसका कुल समय 2 घंटे का होता था। तो इसमें पहले ये किया जाता था कि 10-10 कार्डों को अलग अलग बार दिखाया जाता था। पूरे 20 कार्ड दिखाए गए, फिर उस कार्ड जितना वो कार्ड देख चुका है, फिर उसको एक सादा कार्ड दिया जाता था और उस पे स्टोरी लिखने को कहा जाता था कि उसने जो 20 कार्ड में देखा है उसने क्या देखा है, और उससे उसके व्यक्तित्व को मापा जाता है कि वो जो हमारा व्हाइट कार्ड होता है, जो सादा कार्ड होता है, उसमें वो क्या बनाता है या तो क्या लिखता है वो। वाक्य पूर्ति परीक्षण भारत में किया था विश्वनाथ मुखर्जी ने। फिर हमारा है कैट, चाइल्ड एप्रिसेप्शन टेस्ट। इसमें क्या था कि इस चाइल्ड एप्रिसेप्शन टेस्ट, बाल आत्मबोधन परीक्षण, लियोपोल्ड बैलक इसके प्रतिपादक थे। इसमें 10 कार्ड होते थे, जिसमें जानवरों एवं जीवन से संबंधित परिस्थितियों का चित्र बना होता था। बहुत बार पूछ देता है कि जो हमारा कैट टेस्ट होता है उसमें किसके चित्र बने होते हैं, तो उसमें जानवरों के चित्र बने होते हैं। इसमें जो उम्र थी वो थी 4 से 11 वर्ष, बालकों की उम्र के ऊपर उपयोग किया जाता था, और इसमें 10 कार्डों को प्रयोग होता था। चित्र को दिखाने के बाद बालक की भावनाओं एवं प्रतिक्रियाओं के आधार पर व्यक्तित्व का परीक्षण होता था। फिर है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ठीक है, वाक्य पूर्ति परीक्षण। इसके प्रतिपादक थे पाइनवा टिंडलर। इसमें क्या किया जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति को अधूरे वाक्य दिए जाते हैं, जैसे एग्जांपल कि मेरी इच्छा है कि मैं, उसके बाद ब्लैंक कर दिया जाता था और व्यक्ति को भरना रहता था, उसमें फील करना रहता था। इससे उसके व्यक्तित्व का पता चलता था कि वो क्या फील करता है, उस मतलब जो वो खाली स्थान है उसमें वो क्या फील करेगा।
ये था वाक्य पूर्ति परीक्षण। और चित्र परिस्थिति सूची में क्या किया जाता था कि इस परीक्षण को 1956 में मार्गन द्वारा विकसित किया गया था। इसमें भी 10 कार्ड होते थे। प्रत्येक कार्ड में घर की परिस्थिति होती है जिसमें बालक एवं उसकी माँ के संघर्ष का चित्र होता है। ये था चित्र परिस्थिति सूचक, मतलब चित्रों के माध्यम से पता लगाया जाता था कि उसका व्यवहार कैसा है। कहानी पूर्ति परीक्षण क्या होता था, इस अधूरी कहानी दी जाती थी और अपने अनुभव से बालक को उस कहानी को पूरा करना रहता था। ये था हमारा प्रोजेक्शन मेथड प्रक्षेपी विधि।